साल के सबसे बड़े घोटाले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीएनबी ने अपने 8 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मामले में अब तक पीएनबी कुल 18 कर्मचारियों को निलंबित कर चुका है। वहीं नीरव के मुंबई ऑफिस पर कल रात से ही छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस घोटाला मामले में एक तरफ इंटरपोल को भी सक्रिय किया गया है, क्योंकि नीरव मोदी और उनका परिवार जिन पर आरोप है वो सब एक एक करके देश छोड़कर चले गए। ऐसे में इस पर भी सवाल तेज। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मुनीश, अलग अलग तरह से एक्शन उठाए जा रहे हैं, शिकंजा कसने की तैयारी, अभी लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या है? जी बिल्कुल, जो सीबीआई से कल ही हमारी बात हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो कंप्लेन दी है उसमें सिर्फ 2 अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर उस वक्त तक 10 लोगों को निलंबित किया गया था, अब उन्होंने 18 कर दिए हैं। इतनी बात तो साफ हो गई थी कि जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पंजाब नेशनल बैंक ने दूसरे बैंक्स को दिए थे, जिसके बाद में 11,000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, उसमें ये बात तो साफ थी कि सिर्फ 2 अधिकारी मिलकर इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अब जाके जनरल मैनेजर लेवल के एक अधिकारी को भी इसमें सस्पेंड किया हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ जो छोटे अधिकारी हैं वो शामिल नहीं है, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक एमडी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके जरिए ही वो उस पर साइन होता है, जिसके बाद में दूसरे बैंक जो होते हैं उस शख्स को पैसे देते हैं। तो बड़ा मामला अब सामने आ रहा है ये। कुल मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक को अंदर और खंगालने की जरूरत है, और सीबीआई का साफ तौर पे कहना है कि अगर पंजाब नेशनल बैंक को सारी चीजें पता चल रही हैं तो वो सीबीआई को तुरंत क्यों नहीं बता रहे। सिर्फ 2 लोगों को अभी तक सीबीआई ने बताया हुआ है, जो कि एक डिप्टी मैनेजर लेवल के लोग हैं, जो अधिकारी हैं उनके लेवल पर बताया गया है कि वो इसमें शामिल। चलिए मनीष, लौटते हैं आपके पास, लेकिन नया जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं नक्शे में, ये बताने की कोशिश कि कहां कहां नीरव मोदी हो सकते हैं और उन जगहों पर, मतलब उन देशों के साथ हमारे प्रत्यर्पण संधि का स्टेटस क्या है। इसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, साथ ही आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क अमेरिका के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है। माना जा रहा है कि ये वो संभावित जगह है जहां पर नीरव मोदी जा सकता है, और क्योंकि लंबे वक्त से ये घोटाला चला आ रहा था, 2011 का ये मामला है, हांगकांग भी वो छिपा हो सकता है ये कहा जा रहा है, वहां से भी हमारी प्रत्यर्पण संधि है, जबकि ब्रसेल्स बेल्जियम वहां पर भी हमारे देश की प्रत्यर्पण संधि है, स्विट्जरलैंड के साथ भी है, तमाम वो जगह जहां पर प्रत्यर्पण संधि भारत के साथ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ये मामला है, एक बार फिर से बड़े नाटक का केंद्र ये यूनिवर्सिटी बन गया है, क्योंकि छात्रों का उत्पात यहां पर लगातार जारी है। आधी रात से ही देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में जोरदार ड्रामा चल रहा है। जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ शिक्षकों को बंधक भी बना के रखा। जवाहरलाल विश्वविद्यालय देश में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो पिछले 3 बरस में अपने काम से कम कारनामों से ज्यादा चर्चित रहा है। विद्यार्थियों की एकमात्र प्रजाति यही पाई जाती है जो आजाद मुल्क में आजादी मांगती है। एकमात्र ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ मशाले लेकर चल पड़ते हैं, टफली बजाकर अपशब्दों के गीत गाने लगते हैं। गजब के बुद्धिजीवी छात्र हैं भाई साहब, उन्हीं शिक्षकों की ऐसी तैसी करने का स्वर बुलंद कर रहे हैं जिनसे कुछ पढ़ना है। जेएनयू का प्रांगण जंग का अखाड़ा बना हुआ है और यहीं पढ़ने वाले चंद लड़के लड़ाके। सुबह 10 बजे प्रशासनिक ब्लॉक का घेराव। ये वो समय था जब जेएनयू के कुछ छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक का घेराव किया। पूरा दिन बीत गया, छात्र प्रशासनिक ब्लॉक से हटे नहीं। रात 9:33 रेक्टर को बंधक बना लिया। जेएनयू के वाइस चांसलर ने ट्वीट किया कि छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक में सुबह 11 बजे से 2 रेक्टर को बंधक बना लिया है। इस बंधक बनाए जाने के विरोध में जेएनयू के शिक्षक भी प्रदर्शन पर उतर आए। अगर शिक्षक सच बोल रहे हैं तो वाकई बेहद शर्मनाक है, लेकिन सवाल ये है कि छात्र प्रशासनिक ब्लॉक का घेराव कर क्यों रहे हैं। जो इन्होंने सर्कुलर निकाला है वो सिर्फ साफ साफ यही बता रहा है कि स्टूडेंट्स को थ्रेटन करने के लिए है। लेकिन शिक्षक बिल्कुल अलग बताते हैं। वो बताते हैं कि 70% उपस्थिति अनिवार्य अकेला नियम नहीं है। दरअसल जेएनयू के कुछ छात्र खुद को यूनिवर्सिटी के नियम कानून से ऊपर मानने लगे हैं। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी में अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया है।
इधर मुख्यमंत्री योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि एनकाउंटर जारी रहेंगे। पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर का ही नतीजा है कि बदमाश अब मुठभेड़ के डर से ही आत्मसमर्पण करने लगे हैं। एनकाउंटर के डर से गोली, तो किसका डर था आपको? मुझे पता है पुलिस को। मैं अपराध से निकलना चाहता हूँ जिंदगी से और भविष्य में तौबा करता हूँ। इसे कहते हैं डर, मौत का डर। और इस डर की सबसे बड़ी गवाही की तस्वीरें दिखाएं, उसके पहले डर की वजह देख लीजिए। अस्पताल की चारपाई पर पड़ा बेसुध आदमी 10,000 का इनामी बदमाश है। नाम है नोनू उर्फ शबाब। पुलिस से मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा गया। पुलिस का खौफ ही है कि संगीन आरोपों में जेल की हवा खाकर निकले इन दोनों आरोपियों ने गुनाह से तौबा कर ली। अपराध में अपराध छोड़ रहे हैं और अपने घर बच्चों को अपना घर बहन अपना दूरी। शामली के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले सालिम उर्फ बाबा ने अपराध से तौबा इसलिए की क्योंकि इन्होंने उस हवा को महसूस कर लिया जो इन दिनों अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बह रही है। बाबा की तरह ही मोहम्मदपुर गांव के इरशाद अहमद ने भी गुनाह से तौबा की है। निकलना चाहता हूँ जिंदगी से और भविष्य में तौबा करता हूँ, ये अच्छा काम करूंगा। अच्छा। ठीक इसी तरह मुजफ्फरनगर के इस आरोपी ने भी अपराध की दुनिया को छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। एनकाउंटर के डर से गोली, गोली के डर से। तो किसका डर था आपको? मुझे पता है पुलिस को। किस चीज में नाम आता? लूट में। अपराधियों को यूपी पुलिस यमराज नजर आने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि पता नहीं यूपी पुलिस कब उन्हें निर्जीव कर दे, लिहाजा आत्मसमर्पण कर दें, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। पुलिस का ये खौफ है हमारे एसएसपी सर का कि अपराधी स्वयं ये जानकर कि अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ूं तो हो सकता है मुठभेड़ में मारा जाऊं, भयवश समर्पण कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। अब तक 1,200 एनकाउंटर हो चुके हैं, 40 अपराधी मारे गए हैं और सीएम योगी ने आज विधानसभा में भी कह दिया है कि फिलहाल एनकाउंटर रुकने वाला नहीं है। ये सबको पता है कि अपराधियों को संरक्षण कौन देता था। प्रदेश में पुलिस के साथ अपराधियों के मुठभेड़ की 1,200 घटनाओं में 40 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं। आगे भी यह सिलसिला नहीं थमेगा। इस बयान का सीधा मतलब ये है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, नहीं तो उनके सीने में यूपी पुलिस की बंदूक से निकला लोहा धंसने के लिए तैयार है। शामली में शरद मलिक के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर आज तक। एक और 11 में आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर हाजिर होंगे सुबह 11 बजे खबरों के डबल डोज के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aftak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। तक रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।